हफ्ते में आना पड़ेगा, हर रोज दवाई लेनी पड़ेगी, और ये इलाज साल दो साल तक चलेगा, तब जाकर के ये आपकी बीमारी दूर होगी। क्योंकि मन की कमजोरी आ गई, आदमी अकेला होता चला गया है, तो डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ गई है, साइकेट्रिस्ट और पागल खाने भी खुलते जा रहे हैं। जितने भी विकासशील देश हैं, यूरोप है, अमेरिका है, जितने विकास के पथ पर हम चलते जा रहे हैं, उतने ही पागल खाने भी बढ़ते जा रहे हैं, उतने ही साइकेट्रिस्ट, उतने ही हॉस्पिटल भी खुलते जा रहे हैं। इसी का रिजल्ट है कि आदमी मन से कमजोर होता जा रहा है। तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि इतना पैसा लगेगा, इतना टाइम लगेगा, तो आदमी कहता है कि मैं फिर 15 दिन के बाद आऊंगा, फिर बताऊंगा इलाज करवाना या नहीं करवाना। वो अपने आध्यात्मिक गुरु के पास जाता है, वो गुरु कहता है कोई बात नहीं है, ये कोई प्रेत आत्मा का साया है, ये मंत्र देता हूं, ये दूर हो जाएगा तेरा, इसका स्मरण करना, इसका इलाज हो जाएगा। लेकिन कहीं भी जाओ, आपको जेब खाली करनी पड़ती है। तो घूमता फिरता एक निस्वार्थ आदमी के पास चला जाता है, वो उसको समझाता है, भाई ये कुछ नहीं है, अगर फिर भी तेरे को डर लगता है तो अपना बिस्तर उठा करके नीचे बिछा ले, तो चारपाई के नीचे का जो भय है कुदरती तरह निकल जाएगा। यानी कि सही एक दिशा में जो हमारी गति है रुक गई है, एक भ्रम की स्थिति पैदा होती जा रही है। एक साधु रहता था एक गांव के द्वार पे, गांव के गोरे पे, तो वो क्या देखता है सपने में, इन चीजों का, इन कहानियों का मतलब निकाल लेना चाहिए, ये प्रतीकात्मक रूप में आपको सुनाता हूं मैं। उसको रात को मौत जाती हुई दिखती है गांव की तरफ, वो साधु टोकता है मौत को, उस काल रूप मौत को टोकता है कि आप कहां जा रही हैं, वो कहती है कि मैं गांव में जा रही हूं। कि क्या करने जाती हैं आप, वो मौत कहती है कि गांव में महामारी फैलानी है और 1000 जाने लेनी है, 1000 आदमियों की मौत करनी है। वो साधु देखता रहता है एक साक्षी भाव से, लेकिन वो क्या देखता है कि आने वाले महीने में 1000 की बजाय 7-8 हजार मौत हो जाती है। वो मौत कह के जाती है कि एक महीने का समय मैं लेकर के जाती हूं और 1 महीने में 1000 मौत करनी है मैंने इस नगर में। तो साधु देखता है कि मौत भी झूठ बोलने लग गई है, 1000 मौतों का कह करके गई थी और 7-8 हजार मौतें हो चुकी हैं। तो 1 महीने के बाद जब वो मौत शहर से निकल करके, उस नगर से निकल करके जाती है, तो साधु फिर पूछता है कि आपने हद कर दी, आप भी मौत भी झूठ बोलने लग गई। कहते हैं कि आखिरी टाइम में तो आदमी सच बोलने लग जाता है, लेकिन आप तो खुद मौत हैं और झूठ बोलने लग गई कि 1000 का वादा करके गई थी और 7-8 हजार की मौत हो चुकी है। तो मौत कहती है कि जो 7-8 हजार ये फालतू की जो मौत हुई है, ये मैंने नहीं करी है। कि फिर कैसे हुई ये मौत,
वो कहती है कि मैंने तो 1000 ही मारे हैं, बाकी के जो मरे हैं वो इनके भय में, इस महामारी के भय में मर गए। यानी कि स्वस्थ आदमी भी जब एक ऐसी जगह जाता है कि जहां पर उसके मन की मजबूती को तोड़ दिया जाता है या उसको डरा दिया जाता है, स्वस्थ आदमी भी बीमार हो जाता है। जिस पर आदमी विश्वास करता है उसका एक शब्द अगर डराने वाला हो जाता है तो सारे शरीर में एक करंट आ जाता है आदमी के। मैंने ऐसा देखा है कि आते हैं कई मेरे पास में, बीमार आते हैं, उनको एक सांत्वना भरा शब्द कह देता हूं तो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि एक विश्वास काम करता है। ये चीजें काम करती हैं, जड़ी बूटी काम करती हैं। जो 7-8 हजार जो फालतू के मरे थे, जो 5-6 हजार ज्यादा मरे थे उनके ऊपर ये काम करती है, जहां एक मन की कमजोरी होती है। ये बबूत, अंगूठियां, धातुएं, झाड़े, ये वहां काम करती है जहां एक मन की कमजोरी होती है, जहां आदमी आत्मा के अंदर चला जाता है वो एक भयहीन हो जाता है, उसके अंदर कुदरती भय निकलने लग जाता है। तो उस व्यापारी ने मेरे से एक प्रश्न पूछा, उस बहन जी ने भी पूछा कि जी जो ये हम करते हैं क्या इसका कोई फायदा नहीं है? ये बुद्ध जागरों के पास जाते हैं, झाड़े लगवाते हैं, क्या इनका कोई फायदा नहीं है? मैंने उनको बताया कि इनका फायदा है जरूर भी, लेकिन उस आदमी को फायदा है जो मन से कमजोर है। आप जो डरे हुए थे एक जगह जाकर के, आपने जो झाड़ फूंक करवाई, आपके मन को एक तसल्ली मिली है, उसका आपको सर्तिया फायदा मिलेगा। मैंने बताया जो ये मैं कह देता हूं कि तेरे को फायदा होगा, सर्दिया फायदा होता है उस चीज का। अगर कोई बुझ अगर आपको डरा देता है कि आपके घर में मौत होगी या आप इतने टाइम के बाद ये नुकसान होगा, सर्दिया उसका रिजल्ट आने लग जाता है, उसी टाइम आदमी डर जाता है, क्योंकि अंदर में एक प्रोसेसिंग चलनी शुरू हो जाती है आदमी के अंदर का केमिकल, एक हार्मोनल एक बैलेंस डिस्टर्ब होने लग जाता है। इन चीजों से, सोच से, विचार से चलती हैं चीजें सारी की सारी। जब सोच में एक विचार में कमजोरी आ जाती है, एक डर पैदा हो जाता है कि तो आदमी सही सच्चा खाना भी खाएगा, सतोगुणी खाना भी खाएगा, उसके अंदर भी वो जहर बनने लग जाता है, क्योंकि भय अंतर में जो भय आ गया है उसके डाइजेशन को, उसके सारे सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो उस आदमी को मैंने बताया कि आपका जरूर इससे फायदा होगा, लेकिन इसके नुकसान ज्यादा हो जाएंगे। कि जी नुकसान क्या हो जाएगा? कि आप कमजोर हो जाएंगे और जो भी आपको जो बताएगा उसी को मानने लग जाएंगे। एक बाल की तरह जो जिधर से छोटा बड़ा उतार चढ़ाव आएगा उसी तरफ आप चलने लग जाएंगे, रिड़कने लग जाएंगे एक बाल की तरह से। आदमी जगह जगह कमजोर होकर घूमने लग जाएगा, उसको कोई भी लूट सकता है। जैसे बीमारी नहीं है, मन की कमजोरी है, वो साइकेट्रिस्ट भी उसको लूट रहा है और वो जो एक उसका गुरु है, धर्म गुरु है, वो भी उसको लूट रहा है। तो इन चीजों को एक देखने की जरूरत है, एक समझने की जरूरत है। अब आप जानते हैं कि किस घर में बीमारियां नहीं है, किस घर में आदमी नहीं मरते हैं, किस घर में पशु नहीं मरते हैं, शादियां भी टूटती हैं,